हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एन मटेरियल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना फ्लिपकार्ट का जैसे गिफ्ट कार्ड वाउचर होता है उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। बताइए, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो बताऊंगा कि आपका फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर, मतलब समझ गए आप, फ्लिपकार्ट का जो गिफ्ट वाउचर है उसको ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन यदि अभी तक आपने उसको ऐड नहीं किया तो वो आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर, अमेजोन का गिफ्ट वाउचर हो या फिर आपने कहीं से भी कोई गिफ्ट वाउचर परचेस कर लिया, वो अभी तक प्रेजेंट में आपके पास रखा हुआ है, उसको आप अपना चाहते हैं कि यार अब मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लूँ, मतलब कि मुझे अब जरूरत नहीं है गिफ्ट कार्ड की, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको गिफ्ट कार्ड की जरूरत नहीं है, जिनका पैसा फंस चुका है उनके लिए। और यदि वो कहीं ऐड करके जैसे कि अमेजोन का गिफ्ट वाउचर उन्होंने परचेस किया और परचेस करने के बाद उसको अमेजोन के सेक्शन में गए, वहाँ पे अमेजोन पे के सेक्शन में बैलेंस ऐड कर दिया, यदि ऐड कर दिया तब तो नहीं ट्रांसफर होगा, यदि ऐड है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट का उसने कहीं ना कहीं ऐड कर दिया तो नहीं वो ट्रांसफर होगा, यदि नहीं किया है तो वो ट्रांसफर हो जाए। तो कौन सी ट्रांसफर ट्रिक है इसके लिए चलते हैं हम क्रोम पे। क्रोम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो आज की टाइम में वीडियो मेरी वाली कि हाउ टू ट्रांसफर वाउचर टू बैंक, मतलब कि यहाँ पे सिंपल से ये समझिए कि फ्लिपकार्ट जो अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे हम इस ट्रिक को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बिल्कुल मत करिएगा, साथ ही चैनल को। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो अपना फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड वाउचर है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उसको सबसे पहले आपने बाय किया होगा तो उसको आपको सेल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेल करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। तो कौन सी वेबसाइट, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये वेबसाइट का नाम है कैंसिल डॉट इन। कैंसिल डॉट इन वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आपको आने का पूरा सिंपल सा स्टेप है, मैं समझा देता हूँ आपको, आप स्टेप बाय स्टेप आप उसी तरीके से कर लीजिएगा और आपका जो गिफ्ट है वो सेल हो जाएगा और आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। यहाँ पर टर्म कंडीशन थोड़ा समझ लीजिए आपको क्या है। यहाँ पर टर्म कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे सेल करने के बाद आपको जो है वो आपके बैंक अकाउंट में तो मिल जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें आपको कुछ चार्ज देना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक कंपनी है जो यहाँ पे बाय एंड सेल दोनों का ऑप्शन देती है, कस्टमर को प्रोवाइड कराती है, प्लस आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और कस्टमर यहाँ से ख़रीद सकता है। तो यहाँ पे ये लोग डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, तो इसीलिए यहाँ पे ये आपसे कुछ चार्ज भी काटते हैं। तो यहाँ पे सेल के गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऊपर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड चॉइस कर लेना है कि आपके पास कौन सा है। जैसे कि आपका अभी बस का है, ठीक है, एडिडास का है, ये एयरटेल, ये अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट, जो भी चीज़ें हैं आपका वो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट का मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का मेरे पास गिफ्ट वाउचर है, यहाँ फ्लिपकार्ट का मुझे यहाँ पे सेल करना, मुझे अपने बैंक अकाउंट पैसे चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 से 3% दे के अपना जो पैसा वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे देखिए ध्यान लगाना हो तो यहाँ आपको फ्लिपकार्ट का चॉइस करने के बाद आपको यहाँ चूज चॉइस करना है कि आपका जो गिफ्ट वाउचर है वो क्या फिजिकल वाउचर है, गिफ्ट कार्ड है, ठीक है, ई गिफ्ट कार्ड है। तो यहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड के सेक्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको डेट सेलेक्ट करना होगा, तो उसका क्या एक्सपायरी है, क्या कब एक्सपायरी हो रहा है, मतलब उसमें लिखा रहता है कि आपने जब ख़रीदा है तो कब एक्सपायर होगा, वो सब लिखा रहता है, ठीक है, आप जहाँ से भी परचेस करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्चुअल प्राइस उसकी क्या है, ठीक है, मतलब उसका मान लीजिए आपने 1,000 रुपये खरीदा, जहाँ पर आपको 1,000 रुपये यहाँ पर इंटर करना है, उसका फिर उसको सेल करने का प्राइस आप क्या रखे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 950 रुपये में यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, जैसे मैं 950 रुपये सेल करूँगा तो कुछ 950 मैंने जो डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट देने के बाद उसका कंपनी भी इसमें कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा ले लेती है। जैसे देखते हैं यहाँ पर 902 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे, और अगर आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो आप बिना डिस्काउंट दिए भी कर सकते हैं, तब भी यहाँ पे आपका 50 रुपये माइनस हो जाएगा, लेकिन कंपनी आपको यहाँ पे जो
आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको 950 रुपये रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ पे 50 रुपये कंपनी आपसे ले लेगी, काट लेगी, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का चार्जेस है इस तरीके से, यहाँ पे इसका भी आपको यहाँ पे गिफ्ट कार्ड कोड डालना होगा, गिफ्ट कार्ड पिन डालना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पेमेंट सेलेक्ट करना होगा, तो आपको किस में पैसा चाहिए, बैंक अकाउंट में चाहिए तो यहाँ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको आपको बैंक अकाउंट डिटेल डालना होगा, ठीक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड उसका फिर आपका अकाउंट होल्डर नेम, आपका क्या नेम है अकाउंट में वो डालना होगा। आपको जो पेमेंट है सेटलमेंट 48 आवर में आपको मिल जाता है, ठीक है। डालने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट के सेक्शन क्लिक करना होगा, सबमिट के सेक्शन क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा और आपका जैसे सेल होता है वैसे आपको ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 48 आवर के बीच में आपको पैसा पहुंच जाता है। हम इनकी सपोर्ट की बात करें तो आप कॉन्टेक्ट के सेक्शन में क्लिक करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपको इनका कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाता है, ठीक है। ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर मिल जाता है, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल है इनका, यहाँ पे इनसे आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं इनको, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। ये एक वेबसाइट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ से आप अपना कोई भी ब्रांड का गिफ्ट वाउचर सेल कर सकते हैं, वो आपने कहीं से लिया हो या किसी ने गिफ्ट किया हो या कहीं से भी मिला हो, ठीक है। और भी एक दो वेबसाइट है जहाँ से आप सेल कर सकते हैं, तो सेल, ठीक है, ई गिफ्ट कार्ड के सेक्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगा gymguide.com, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका यहाँ पे दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, moneyconnections.com है ये, उसका है crafin.in, crafin.in भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आप अपना अमेजोन गिफ्ट कार्ड वेजर सेल कर सकते हैं, उसका भी मैंने आपको cancel.in के बारे में बता ही चुका है, यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप यहाँ पे 2 से 3 वेबसाइट हैं जो सबसे बेस्ट है, आप यहाँ पे अपना गिफ्ट वाउचर सेल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप क्राफिन सेल यहाँ पे crafin.com पे आप जा सकते हैं, crafin.in पे जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे jungle.com पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिएगा और मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह दे देता हूँ, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ और आपको पूरा फुल सपोर्ट भी करता हूँ। वीडियो अच्छे से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को। इसी तरह लेटेस्ट दिखाने के लिए मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे वो लेटेस्ट सर्फेस मिल जाता है। ओके, थैंक्स मास्टर, गुड बाय।